तो गाइस फुकरे और फुकरे रिटर्न्स की अपार सफलता के बाद फुकरे 3 मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर में और मैंने आज मूवी देखी है। और मूवी देखने के बाद मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप लोगों ने पहले अगर दोनों मूवी देखी हैं, आप कैरेक्टर से थोड़ा सा फेमिलियर हो, आपको पता है कौन कौन से कैरेक्टर है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा समझने के लिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि मूवी को समझने की कोशिश मत करना, सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम आपको पता हो वो बहुत है, क्योंकि मूवी में कोई लॉजिक वगैरह पर ध्यान नहीं दिया गया है। अगर आप बिना दिमाग यूज करें इस मूवी को देखोगे तो आप काफी इंजॉय करोगे मूवी को। जैसे कि फुकरे रिटर्न्स में चूचा को डेजा चू होता है, उसको सपना आता है कि क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं। इस मूवी में उन्होंने पता नहीं कौन सी साइंस लगा के उसके पेशाब से पेट्रोल बनाने की कोशिश करी है और उसी के इर्द गिर्द मूवी घूमती है। जैसे स्टार्टिंग होती है कि भोली पंजाबन इलेक्शन लड़ना चाहती है और चूचा की हरकतों की वजह से लोग उसको ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं और हनी अपना दिमाग लगाकर चूचा को भोली पंजाबन के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा कर देता है। तो इसी में उनकी तूतूमेमे, उनकी आपसी बहस वगैरह और पूरा सिनेरियो इसी में क्रिएट होता है। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका जाते हैं हीरा ढूंढने के लिए डेजा चू का इस्तेमाल करके, और उसके बाद क्या होता है वो पूरी चीजें एंटरटेनिंग है। इतना ही मैं आपको बताऊंगा मूवी के बारे में। हाँ, मूवी एंटरटेनिंग है, काफी जगह पे आपको अच्छी कॉमेडी मिलती है, आपको हंसी आती है और चूचा का कैरेक्टर आप सब जानते हैं काफी फनी कैरेक्टर है और उसकी जो बेवकूफी भरी हरकतें होती हैं वो देख के आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, पंकज त्रिपाठी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। मूवी सिंपल सी है, बस देखना ये है कि मूवी अब हिट हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले वाली जो मूवी थी, जो पहला पार्ट था वो 8 करोड़ बना था और उसने 50 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरा पार्ट को 22 करोड़ में बना था और 100 करोड़ के पार गया था। और इस मूवी का भी बजट लगभग 40 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ से ऊपर जाएगी तो हिट हो जाएगी। अगर ये मूवी भी हिट होती है तो बहुत कम मूवी ऐसी हैं जिनके 3 पार्ट आए हैं और तीनों ही अच्छी कमाई करी है, अच्छी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है, तो ये भी उन्हीं लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो अभी आज मूवी रिलीज हुई है, देखते हैं कैसे इसका बिजनेस रहेगा। और आपको एक सजेशन दूंगा कि मूवी के क्रेडिट्स तक रुकिए, क्योंकि लास्ट में एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस आता है अली फैजल का, हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में वो दोबारा से अपने कैरेक्टर में रिटर्न करें। तो मूवी में बस यही कुछ था। बाकी आपने मूवी देख ली है तो कमेंट करके बताएं, अगर देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताएं कितने एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। और एनिमल का टीजर आया है, उसके बारे में बात करी है। साथ ही टाइगर 3 का भी टीजर आया हुआ है, वो भी मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, उसको देखें वीडियो को। और आज की वीडियो में इतना ही, मैं हूं उम्मीद खुणिया, आप देख रहे हैं मूवी रियल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय गाइस।